नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। मैं सर्वेश त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं रैपिड फायर की इस नई सीरीज में, जिसमें आज आप लोगों का चैप्टर है भारत और उसके पड़ोसी देश। ध्यान रखिएगा, ये यूपीपी कांस्टेबल के री एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। चलिए, यहां पहला क्वेश्चन जो है आपका, वो पहला क्वेश्चन कौन सा है कि बांग्लादेश अपनी सीमा किसके साथ साझा नहीं करता है। तो यहां जवाब आपका कौन सा हो जाएगा, यहां आपका जवाब डी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के साथ करता है, मेघालय के साथ करता है, त्रिपुरा के साथ करता है, और ध्यान रखेंगे यहां मैं बात कर दूं आपके असम के साथ करता है, ठीक ना, ये आपके असम के साथ करता है। ठीक है, ये आप देखेंगे अगर यहां पे मैं बात कर दूं आपको, तो एक बात और ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा के साथ में, त्रिपुरा को तीन तरफ से घेरा हुआ है, तीन तरफ से घेरा हुआ है किसको, त्रिपुरा को, बांग्लादेश ने। चलिए, भारत और बांग्लादेश के बीच कितनी लंबी सीमा है, तो आपको पता है 4096 किलोमीटर की लंबी सीमा है। भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा का नाम क्या है, तो वो है आपका रेडक्लिफ लाइन। ध्यान रखेंगे ड्यूरन लाइन अफगानिस्तान का है, मैकमोहन लाइन चीन के लिए, वास्तविक नियंत्रण रेखा भी आपका चीन से लगता है। बांग्लादेश अपनी सीमा किन देश के साथ साझा नहीं करता है, तो यहां आपका जवाब हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, भारत और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, और ये दोनों के साथ है, भूटान के साथ नहीं करता, ये बात ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश की राजधानी क्या है आपकी, तो ढाका है। आगे की बात करेंगे, बांग्लादेश की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है, तो बांग्लादेश की मुद्रा आपकी टका है। बांग्लादेश की स्वतंत्रता 26 मार्च 1971, ये आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है, तो बांग्लादेश की संसद का नाम आपका जातीय संसद है। अमार सोनार बांग्ला, ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, और इसे लिखा है किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने देश के यानी भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है, तो वो आपका जवाब यहां पे रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। बांग्लादेश की ध्यान रखेंगे 350 संसदीय सीट है, जिसमें 50 लोगों का निर्वाचन किया जाता है, बाकी 300 पर आपका क्या होता है, बाकी 300 सीटों पर इलेक्शन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। बांग्लादेश के प्रमुख नृत्यों में से कौन सा नृत्य, ध्यान रखें, कठपुतली नृत्य, ढली नृत्य और घाटू नृत्य बांग्लादेश का नृत्य है, ये कठफोड़वा नृत्य जो आपका है बांग्लादेश का नृत्य नहीं है। बांग्लादेश में राष्ट्रपिता के रूप में कौन जाते हैं, तो शेख मुजीबुर रहमान। आजकल बांग्लादेश की हालत भी खराब है, इनकी मूर्ति अभी हाल ही में तोड़ी गई है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल अभी हमने देख लिया था। बात करेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल आपका वाटर लिली है। चलिए, बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो मैगपी रॉबिन यहां का राष्ट्रीय पक्षी है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल आपका कटहल है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय वृक्ष आपका आम है। जमुना, तिस्ता, पद्मा, बराक, फेनी और मेघना, ये सारे के सारे नदियां जो हैं वो बांग्लादेश की प्रमुख नदियां हैं। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किस देश में केकोराडोंग सबसे ऊंची जो आपकी पहाड़ी चोटी है वो बांग्लादेश में पाई जाती है। ध्यान रखेंगे, बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी है। भारत और बांग्लादेश के बीच इनमें से कौन सी ट्रेन जनवरी 2022 में शुरू की गई थी, मिताली एक्सप्रेस जनवरी 2022 में शुरू की गई थी। मैत्री एक्सप्रेस भी चलता है और बंधन एक्सप्रेस भी चलता है। समझौता एक्सप्रेस तो पाकिस्तान में चलता था, बंद कर दिया गया था। तिस्ता नदी के पानी के बंटवारे को लेकर के, ध्यान रखेंगे, बांग्लादेश रोहिंग्या विवाद, ढाई बीघा जो आपका विवाद है वो भी आपका बांग्लादेश के साथ विवाद है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, भारत और चीन की सीमा के बीच मैकमोहन लाइन अभी मैंने बताया, ठीक है। भारत चीन से कितनी लंबी सीमा कर, दूसरी सबसे बड़ी, बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा साझा करता है, और दूसरा आपका 3428 और 3323 आपका पाकिस्तान है। चीन अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य के साथ साझा नहीं करता है, तो ध्यान रखेंगे ये बिहार के साथ साझा नहीं करता, अरुणाचल के साथ करता है, सिक्किम के साथ करता है, लद्दाख के साथ करता है, और ध्यान रखिएगा यहां अगर मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश के साथ भी करता है, ये हिमाचल प्रदेश के साथ भी करेगा, समझ में आ गया। इसी के साथ साथ आपका उत्तराखंड यूके के साथ भी करेगा, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए, चीन की राजधानी क्या है, तो बीजिंग है चीन की राजधानी। यहां की मुद्रा आपकी रेनमिनबी है, इसी के एक आधिकारिक प्रणाली है कौन सी, युआन, ध्यान रखिएगा। चीन की संसद का नाम नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। चीन का राष्ट्रीय फल आपका बताएं तो कीवी है। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस। चीन में कुल कितने 34 प्रांत हैं, ये बात ध्यान रखें, 34 स्टेट हैं। चीन की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, यांगजी, एशिया की सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखिएगा। चीन का राष्ट्रीय पशु क्या है, रेड पांडा, पांडा की बात करेंगे। चीन का राष्ट्रीय पक्षी रेड क्राउन क्रेन होता है। चलिए,
चीन का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो चीन का राष्ट्रीय वृक्ष जिंगको, ध्यान रखेंगे जिंगको, समझ में आ गया, ये बात ध्यान रखिएगा। चीन का राष्ट्रीय भाषा क्या है? मैंडारिन, सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा। निम्नलिखित में से कौन भारत और चीन के बीच विवादित स्थल नहीं है? ध्यान रखिएगा, ये लिपुलेख पास जो है ये विवादित स्थल नहीं है, बाकी सारे विवादित स्थल हैं। पाकिस्तान का गठन कब हुआ था? 14 अगस्त 1947, ध्यान रखेंगे, ये इनका स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। पहली बार पाकिस्तान, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र थे चौधरी रहमत अली ने, इन्होंने क्या किया था, पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। भारत पाकिस्तान की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत पाकिस्तान की लंबाई 3323 किलोमीटर की लंबी सीमा बनाता है। कौन सा भारतीय राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो ये सारे करते हैं, ध्यान रखेंगे, ये सारे करते हैं। इसमें आपका एक और कौन सा हो जाएगा, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, आपका पाकिस्तान हो, सॉरी पंजाब हो गया, पंजाब हो गया, और लद्दाख भी आपका, ठीक ना। ये आपके कैसे होते हैं, तो ये आपके भारत और पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद, पता ही है आपको। पाकिस्तान की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो पाकिस्तानी रुपया है, ठीक है। पाकिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली है, ये बात ध्यान रखिएगा। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान ने किस पशु को, तो मारखोर, ये मारखोर एक पशु होता है, पहाड़ी पशु है, हिरण के जैसा दिखता है, ध्यान रखेंगे, उसको राष्ट्रीय पशु बना रखा है इन्होंने। राष्ट्रीय खेल यहाँ की हॉकी है, क्योंकि हॉकी यहाँ का भी और भारत का भी, दोनों हॉकी में बहुत अव्वल दर्जे के खिलाड़ी लोग रहते थे पहले। चलिए, पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल भी आपका आम ही है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, पहले पाकिस्तान की राजधानी हुआ करता था, बाद में इस्लामाबाद चेंज कर दिया गया। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? चकोर है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। पाकिस्तान की जीवन रेखा भी कही जाती है इसको। पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा उर्दू है, पता ही है आपको। पाकिस्तान का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो देवदार है। और लास्ट क्वेश्चन आज का, सिंधु नदी जल समझौता जो आपके 1960 में हुआ था, ध्यान रखेंगे, ये आपके पाकिस्तान और भारत के बीच में हुआ था, जिसमें कहा गया था पश्चिम की नदियों पर पाकिस्तान का हक होगा, पूरब की नदियों पर भारत का हक होगा। तो ये भारत और उसके पड़ोसी देश को लेकर के आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस थे। इसकी एक सीरीज और आएगी, जिसमें हम पूरे तरीके से सारे आपके जितने पड़ोसी देश है उनको सारे क्वेश्चंस कवर कर देंगे। चलिए, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।